हेलो मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हो। मैं जीत का ज़्यादा आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आ गया। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं इस हॉल मार्किंग सेंटर में जितनी फाइलें यूज होती हैं उनके सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा फाइल नंबर 12 के बारे में। फाइल नंबर 11 तक मैंने वीडियो बना रखी है और मेरे चैनल आयुष्मान स्पीड पॉइंट पर जाके देख सकते हैं, या मेरा नाम अजीत प्रताप यादव गूगल में डालेंगे तो वहाँ पे मेरा चैनल मेरा नाम सुन गया, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा फ़ोटो आ जाएगा। आप उससे अगर उससे आप मेरा चैनल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर वो सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करें और वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। एक मेरी फाइल की प्लेलिस्ट बना रखता हूँ, प्लेलिस्ट में सारी अपलोड हैं, आपको एक ही जगह सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आज मेरी इस वीडियो का टॉपिक है फाइल नंबर 12। फाइल नंबर 12 को क्या बोलते हैं, फाइल नंबर 12 इस तरह से लिखती है। फाइल नंबर 12 को बोलते हैं परचेज बिल फाइल। तो हम अगर आप एक हॉलमार्क सेंटर खोलते हैं तो क्या क्या चीज़ें परचेज करनी होती है आपको, मेन मेन चीज़ें आपको एक सारा मशीन एक्सरे फ्लोरेशन मशीन परचेज करना होता है। इसके बाद आपको बैंक बैलेंस, माइक्रो बैलेंस, सेमी माइक्रो बैलेंस और ज्वेलरी बैलेंस खरीदना होता है। और इसके बाद आपको लेज़र मार्किंग मशीन खरीदनी होती है। इसके बाद पिपलेशन फर्नेस खरीदनी होती है, एनिलिंग फर्नेस खरीदना होता है, मेल्डिंग फर्नेस खरीदना होता है, और जो ग्लासवेयर खरीदने होते हैं लेबोरेटरी में ग्लासवेयर यूज होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है आपको सारे चीज़ों का। और आपको इन्वर्टर कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी आपके बिल्स होंगे वो सारे फाइल नंबर 12 में होंगे। आपने और मार्किंग का जो फीस अगर सबमिट किया है उसका रिसीव मिलती है, वो सारी बिल इसमें रखना होता है। तो फाइल नंबर 12 परचेज बिल की फाइल अगर आपको उस टेस्टिंग करवाने के लिए भेजते हो उसको जिल जो भी बिल रिसीव होता है वो सारे बिल इसमें, आपका इंश्योरेंस करवाते हो इंश्योरेंस का बिल इसमें रखना होता है, और आप एसी खरीदते हैं या फैन, ऑफिस इक्विपमेंट कुछ भी आपने चेयर खरीदते हैं, ऑफिस टेबल खरीदते हैं, तो वो सारे बिल आपको मिलता है, जीएसटी बिल मिलता है। वो सारी चीज़ें बिल का रिकॉर्ड इसमें रखना होता है। फाइल नंबर 12 क्या है, परचेज बिल की फाइल है। जितने भी आपने और जितने भी बिल होते हैं उस बिल की फाइल, आपने कोई स्टेशनरी खरीदते हो, कोई इक्विपमेंट खरीदते हो, कोई भी चीज़ आप एक्स वाई जेड जो भी चीज़ खरीदते हो वो फाइल नंबर क्या होता है आप 12 में रखना होता है। फाइल नंबर 12 का नाम है परचेज बिल फाइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है और मार्किंग की वजह से जब भी कोई ऑडिटर आता है आपने चीज़ें खरीदा कि नहीं खरीदा उस, ठीक है, अभी कभी गोल्ड आप बाई करते हैं, सिल्वर बाई करते हैं तो उनका एक बिल मिलता है आपको, वो सारे बिल इस फाइल में रखना होता है। परचेज बिल की फाइल ऐसी दिखती है। तो फाइल नंबर 12 के हॉलमार्किंग सेंटर में यूज होती है। हॉलमार्किंग परचेज फाइल में क्या क्या रखना है, जितने भी हमारे परचेज बिल होते हैं वो सारे रखे जाते हैं। तो जेलर भाइयों या हॉलमार्किंग सेंटर के पार्टनर प्रोप्राइटर हो, स्टाफ, अगर ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारी जितनी भी वीडियो है आपको मिलता रहे। काफ़ी मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ आपके सिस्टम को इजी बनाने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।